हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेथी में, पूरी गुच्छी खाने वाली हूँ मेथी की। तो ये मेथी के पराठे मैं कल बनाऊँगी और अब मैं बथुए के पराठे बनाऊँगी। तो चलिए तैयारी करते हैं, लेट्स। माय न्यू ब्लॉग। तो आइए बढ़िया सी रेसिपी, एक सर्दियों की सबसे बेस्ट रेसिपी कौन सी आपके लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और ये है आलू बथुए का पराठा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले है ना, आप चैनल को अगर पहली बार है ना चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लाल कलर में सब्सक्राइब है इसे आप ब्लैक करें, और सब्सक्राइब जैसे आप ब्लैक करेंगे उसके साथ बेल आइकन सबसे ऊपर वाली प्रेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मतलब छाँट के और अच्छा अच्छा सा, और उसमें कोई कबाड़ा नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है। आप देख रहे हैं मैंने छाँट के रख दिया था पिन्नी में बंद करके, क्योंकि ये नहीं तो पिन्नी में नहीं रखी ना मैं इसे छाँट के और धो के, तो ये ऐसे मुरझा सी जाता जैसे बासी हो जाता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसे चलिए मैं कट कर लेती हूँ दरांत से। अब हम दरांत लेंगे और इसे कट करेंगे। तो आइए यहाँ पे है ना, मैं ये जो दरांत होता है ना इस दरांत से कट करना पसंद करती हूँ, तो कट कर लेते हैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी। पता है कचौड़ियाँ पराठे सबसे बेस्ट लगते हैं बथुए के, और दही में अगर आप रायता बना रहे हो ना बथुए का तो कसम से बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा खा के। ये देखिए मैंने कट कर लिया है सारा बथुए को, और अब मैं इसे उबालने के लिए करती हूँ। करीब इसमें मैंने 1 लीटर से कम पानी ले लिया है, और बथुआ हमारा 2 kg है, यानी कि बथुआ हमारा 2 किलो है। तो इसे मैंने बारीक अच्छे से कट किया है, पता है इसे अच्छे से बारीक कट कर लेते हैं ना तो उबालती बार उबालने के बाद में इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि साबुत उबालते हैं ना गाइस तो ये पीसना पड़ता है सिलबट्टे से। तो इसमें थोड़ा पानी कम था और थोड़ा डाल लूँगी, और यहाँ पर देखिए मैंने गैस ऑन किया और गैस पर मैंने रख दिया। तो यहाँ पर अब ये ज़्यादा नहीं, हमें इसे 10 से 15 मिनट ही नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे करके उबाल लेना है। और आलू मैंने उबाल के पहले रख रखे हैं, तो बॉईल आलू को मैं इसे कद्दूकस करके रख दूँगी। और बथुए को अब मैंने ये पलट दिया था, आपको नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू और बथुए को मैंने निचोड़ लिया है अच्छे से पानी निकाल के, और चुटकी भर हींग डालूँगी इसमें। स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर भी थोड़ा ही डालेंगे, और चुटकी भर डालेंगे हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं चुटकी भर। यहाँ पे मैंने गरम मसाला जो अपने घर का बना हुआ है वो ले लिया है, छोटी स्पून है, छोटी आधी, हाफ स्पून है, 1/2 स्पून छोटी, यही डालेंगे बस, क्योंकि इसमें चीनी भी है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, पर ज़्यादा नहीं है ये मसाला। और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। बथुए को मैंने बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया था, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बथुए में, और आलू जो थे मेरे छोटे छोटे, कोई अपने आप अपने स्वाद के अनुसार अपने हिसाब के अनुसार आप ले लीजिए आलू को, और उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था आलू को भी, और बथुए को भी मैंने निचोड़ लिया था अच्छे से। अब अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे करके फिंगर की मदद से इस तरह से मिलाएंगे इसमें। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। आलू बथुए की बथुआई हमारा ज़्यादा है, आलू कम है, तो आलू बथुए की हमारी पिट्ठी बनके तैयार हो गई है पराठों में भरने के लिए। अब हम आटा तैयार करेंगे, इसके लिए हमें सर्दी का मौसम है ना तो गर्म पानी कर लिया है, गर्म पानी ले लेंगे आटे में और इस तरह से डालेंगे, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से पानी लेके आटा मारते हैं ना, आटे का डो बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है, और ठंडे पानी में आटा कभी बनता ही नहीं है सर्दी के मौसम में, गर्मी में तो ठंडे पानी में ही बनता है आटा। आटे में नमक डालना ज़रूरी है, जैसे कि कचौड़ी बना रहे हैं या फिर पराठा, तो आटे में नमक ज़रूर डालना है, क्योंकि आटा फीका रह जाता है ना तो आटे का स्वाद फीका आता है, तो फिर उतना स्वाद नहीं होता पराठा जितना होना चाहिए। तो आटा हमारा तैयार है बिल्कुल एकदम, गर्म पानी से जल्दी मर जाता है ना आटा। अब यहाँ पे हमने गैस ऑन किया, तवा रखा कुछ इस तरह से, आटा लिया और उसकी लोई बनाएंगे यूँ करके गोल,
फिर उसे कुछ इस तरह से पलौथा में लगाएंगे। अब इसमें हम इसे बेल भी सकते हैं, इस तरह से थोड़ा बहुत आप बेल भी सकते हैं, मैं बेल नहीं रही हूँ इसे ज़्यादा। तो इसमें हम अब रखेंगे जो हमारा आलू बथुए का मिक्सचर है, इसे हम इसमें इस तरह से दबा देंगे बिना बिखरे, इस तरह से कुछ लेते चले जाएंगे इसे। एक्स्ट्रा है तो लिकाड़ देना ज़्यादा इस तरह से घुमा के, और अगर नहीं है तो कोई नहीं, इस तरह से इसे भूज देंगे। अब इसमें एक बार पलौथन हल्का हल्का और लगाएंगे, लगा लिया है, इसे हम बेल भी सकते हैं, और मैं हाथ से बनाती हूँ, वैसे मैं हाथ से बनाती हूँ, आप इसे बेल भी सकते हैं चकले बेलन से इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ पे पिट्ठी है ना आलू की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो, कचौड़ी या फिर पराठे के अंदर ज़्यादा ही भरती हूँ, देख सकते हैं ज़्यादा ही भरती हूँ मैं, ये देखिए फटा नहीं है कहीं से भी। तो यहाँ पे हमारा तवा गर्म है, इसे डाल देंगे और इसे एक तरफ से पचने तक रुकने देंगे, और इसे जब पच जाएगा ये तो इसमें थोड़ा थोड़ा धुआंसा उठना लगता है, धुआंसा नहीं भापसी, तो इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद में अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर मुझे चमचे से जल्दी ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा जल्दी इसीलिए मैं चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हम साथ के साथ ही ऐसे पलट देंगे, और साथ के साथ ही दूसरी तरफ से भी लगा देंगे ऑयल को। ये देखिए पराठा हमारा अच्छे से फ्राई होने लगा है, थोड़ी धीमी आंच रखें, ज़्यादा हाई ना रखें, फ्लेम को ज़्यादा हाई भी ना रखें और ज़्यादा लो भी ना रखें पराठे में, क्योंकि पराठा थोड़ा हैवी होता है, और इतने ही हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। अच्छे से पकने देंगे इसे। अब ये पराठा हमारा तैयार है एकदम, देख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भरा था इसके अंदर आलू बथुए के मिक्सचर को, वैसे मैंने आपके भी भर लिया है, देखिए दोनों तरफ हमने आटा लगा लिया है, पलौथन बोलते हैं इसे, तो इसे हमने लगा लिया है, और इसे भी इस तरह से कुछ बेलेंगे। जब कहीं से भी जहाँ से एक जगह गैस रह जाता है ना यहाँ पे जोड़ वोड़ सा, तो यहाँ से फट जाता है, तो इसलिए जोड़ ना रहने के जोड़ को अच्छे से भींच दें, इसे बंद कर दें, मैंने ये अच्छे से नहीं भींचा था, तो मैं तो एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। इस पर भी मैंने लगा दिया है इस तरह से दोनों तरफ ऐसे पलट के, इस तरह से पलट के मैंने, और ऑयल को इस पर भी लगा दिया है, दोनों तरफ से पलटते जाएंगे और अच्छे से सेकते जाएंगे पराठे को। अब ये अच्छे से सिका नहीं है तो मैं यहाँ पे अच्छे से सेक रही हूँ, अंदर तक सिक जाता है तभी अच्छा लगता है पराठे का टेस्ट। अब ये बन चुका है अच्छे से, तो यहाँ पे मैं लंच दे रही हूँ बच्चों को सुबह सुबह, और अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तो मैं अंधेरे में सेक रही हूँ लाइट की मदद से। तो ये भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए दो बनाए हैं पराठे, और भी मैं ऐसे बना लूँगी, बट पहले बच्चों को रेडी करके भेजना है मुझे स्कूल। टिशू पेपर है नहीं तो मैं अब फिलहाल इसमें ही रोल बना के रखूँगी कुछ इस तरह से, और सॉस का पैकेट रखूँगी, एक मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, इसमें भी ये पराठा ही है कि बथुए का पराठा ही बनाना हमारे लिए सुबह को लंच बॉक्स में, तो मैंने वही दिया है, और अब हम ऐसे ही सारे तैयार कर लेंगे। सारे पराठों को बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ भरती जाऊँगी और पलट पलट के अच्छे से लो फ्लेम पे, ज़्यादा लो भी नहीं होगा फ्लेम जो, और ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे हम। तो फटाफट से देखिए मैं यहाँ पर बनाती जा रही हूँ पराठे को, और पराठा है ना 32 इंच वाला तो नहीं है, है तो मीडियम साइज़, और यहाँ पे घर वाला है, जी हाँ डेली यूज़ के तवे पे बन रहा है क्योंकि, बट यहाँ पे है ना पराठा बहुत तकड़ा है। तो यहाँ पे इस तरह से कोई लो फ्लेम है, ज़्यादा हाई नहीं है उससे, क्योंकि बार बार पलटते जाएंगे अच्छे से सिक जाता है, और अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम रखते हैं ना गाइस, तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे क्या होता है कि अंदर से कच्चा रह जाता है, टेस्ट नहीं आता है, और बाहर से वो लग जाता है, जल जाता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बथुए के शौकीन गाइस को। मेरा तरीका एकदम बहुत ही बेस्ट मेथी के पराठे बनाने का, उबाल के नहीं और कच्चे भी नहीं रहेंगे, और एकदम आपको पूरे मेथी का स्वाद मिलने वाला है, तो ज़रूर देखना नेक्स्ट व्लॉग।